राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का पांचवें चरण के चुनाव को लेकर एक बयान सामने आया है। बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने बयान में कहा कि इंडिया गठबंधन का मनोबल बढ़ा हुआ है, देश के पीएम और बीजेपी के अन्य नेताओं का मनोबल अब गिरा है और देश में लगभग इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसी क्रम में पीएम श्री योजना को लेकर दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, वो कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलकर चलाना चाहती है। कल देश में पांचवें चरण का चुनाव संपन्न हुआ और पांचवें चरण के बाद पूरी देश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और कांग्रेस के नेता और गठबंधन के नेताओं का मनोबल काफी लबरेज है। वहीं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री और अन्य देश के केंद्रीय मंत्री और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मनोबल काफी गिरा हुआ है। इससे स्पष्ट और साफ है कि पांचवें चरण के बाद लोकसभा चुनाव देश में स्पष्ट तौर पर लगभग ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।